बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो दोस्तों, क्या हाल, उम्मीद है सारे भाई ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज का व्लॉग करते हैं शुरू। और सबसे पहले दोस्तों, हमने जो हमारे छोटे चिक्स हैं ना, इनको मुर्गी के साथ निकाल दिया बाहर। और ये देखें, थोड़े थोड़े ढीले हैं यार, दरअसल फर्स्ट टाइम इनको ना बाहर निकाला। और ये तकरीबन 4-5 दिन के अब हो गए हैं। तो दोस्तों, जिस भाई ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं ना किया, वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की हम बेहतरीन किस्म की वीडियो बनाते रहते हैं रोजाना। कोशिश करते हैं कि आने वाले वक्त में इससे भी ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ हम आपके लिए बनाएँ। तो दोस्तों, ये फ़िलहाल जो तीनों हैं, ये तीनों चूजियाँ लग रही हैं। और एक जो है ना, वो बेचारी बहुत कमज़ोर है, ये वाली ये शायद शुरू से कमज़ोर है इस तरह। और बाकी जो है, बाकी माशाल्लाह कुछ बेहतर है। तो दोस्तों, ऐसा करते हैं, आपको छोटा सा गोशी भी दिखाते हैं, ठीक है? दिखाओ बेटे गोशी। दोस्तों ये देखें, इसको इधर छोड़ते हैं, देखते हैं इसकी माँ का क्या रिएक्शन होता है। और ये तो खुद इसका रिएक्शन बुरा हो गया। ये देखें, भाग रहा है, भाग रहा है। ओ तेरी, किधर गई? ये देखें दोस्तों, इसको कितनी जल्दी है। वो कहता है मुर्गी मारेगी, और ये बेचारा इधर भाग गया। जो इधर, अरे बात तो सुनो यार, ये तो बहुत तेज़ है दोस्तों, बड़ा तेज़ है। ये देखें ज़रा यार, इधर तो आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ओ तेरी, ओए 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 यार, इतनी स्पीड, ये इधर घुस गए हो यार, ये कहाँ पे घुस गया दोस्तों? ये घुसता ही जा रहा है यार, बड़ी मुश्किल से पकड़ा है यार इसको मैंने। इधर आओ ना यार, इस जंगल में आओ, इधर छुप जाओ, इधर छुपो अब। ये देखें दोस्तों, ये देखिए माशाल्लाह, इसको ना इधर लगेगी थोड़ी थोड़ी गर्मी, ठीक है? और इधर धूप में ना ये बड़ा खुश है। तो इसके छोटे और बहन भाई भी हैं, लेकिन यार ये घुस क्यों रहा है यार? ये देखें दोस्तों, वो सुरंग ढूंढ रहा है कि सुरंग के बीच में जाके छुप जाऊं। ना बाबा ना, इधर ऐसे तो नहीं होने वाला। ये देखें, फिर छुप गया। तो ऐसे करते हैं यार, इसको फिर दोबारा इसकी माँ के पास ही छोड़ देते हैं, काबू आएगा तो छोड़ेंगे ना। ये देखें, इंतहा की तेज़ी है यार इसमें। मुर्गियाँ हमने रात को भिगो के रखी हुई थी इनके लिए, ठीक है? अब मुर्गियाँ भी खा रही हैं, चूज़े ही है, अपने चूज़ों को भी खिला रही है। थोड़ी देर बाद, अब एक घंटा धूप लगवा के ना, इसको हम कर देंगे बंद। और मुर्गियों के लिए ना ये दाना हमने छोड़ा हुआ है, और ये सारे माशाल्लाह से देखे अंदर आए हुए। बाकी दुनिया किधर गई है? तो दोस्तों, आज एक छोटा सा हमारा नुकसान ये हुआ कि ये मुर्गी जो हमारी कुरक पे बैठी हुई थी ना, ये वाली, इसने ना लड़ाई की है किसी और मुर्गी के साथ, ठीक है? और 4 से 5 अंडे जो है ना, इसने तोड़ दिए हैं। तो ये दोस्तों, आज हमारा जो है ना, हमें नुकसान हो गया अंडों का। ये वाली जो मुर्गी है ना, इस ये मुर्गी ने उसके साथ फाइट की है। दरअसल ये भी कुड़क होने वाली है, 2-3 अंडे देगी, इसने भी कुड़क हो जाना है। और हमारे पास माशाल्लाह 20 अंडे अभी तक जो है ना, वो इनके पड़े हुए हैं, इन दोनों मुर्गियों के, इसके भी और इसके भी, ठीक है? ये तो बहुत बूढ़ी है ना, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से अंडे दे रही है अभी भी। देखिए, आंखें बंद करके खाना खा रही है, इतनी बूढ़ी हो गई है कि इसकी आंखें जो ना, वो खुली नहीं रही अभी अभी भी। ये देखें, बस अंदाजे के साथ ही खा रही है, लेकिन अंडे माशाल्लाह सही दे रही है, और क्रॉस भी सही तरह हो रही है। हमारा माशाल्लाह सिंधी जोड़ा, ये माशाल्लाह से जो हमारा मुर्गा ना, ये साइड पे हो जाओ थोड़ा। दोस्तों, इसने सारी कुरीद माशाल्लाह मुकम्मल कर ली है। देखिए माशाल्लाह, कितने प्यारे बाल आ गए इसकी गर्दन पे। और जो इसकी दुम है ना, बस वही रहेगी कुरीद में, बाकी सारे माशाल्लाह क्लियर हो गया। ये देखें माशाल्लाह, कितना आउट क्लास लग रहा है, सिर्फ इसकी दुम आ गई ना, तो ये बहुत माशाल्लाह आउट क्लास हो जाएगा। क्या खा रहे हो? तो दोस्तों, आज इनके लिए ना हमने कहा, ये भी इनको डाला, इसको शायद कद्दू बोलते हैं। और इसके अलावा ना, हमने ये बाजरे की जगह ना, आज इनको गंदम डाल दिया कि गंदम शंदम भी खा लेंगे, और इनको ना छोड़ ही देते हैं बाजरे। आ जाओ भैया, आ जाओ, क्योंकि मुर्गियाँ इसके अंदर चली जाती हैं, इसलिए मैंने इस थोड़ा सा ये वाला दरवाज़ा खोल दिया इधर से, ठीक है दोस्तों? और ये जो हमारे पैरट्स हैं ना, इनको नहीं हमने छेड़ना बिल्कुल ही, ये बहुत गुस्से वाले हैं। इनको कल खोला था, और बड़ी मुश्किल से मैंने इनको काबू किया था, ये उड़ गए थे। तो ये देखें, ये माशाल्लाह सारा दिन इधर ही फिरते रहते हैं, और जब हम ये इनको अंडों के छिलके वगैरह डालते हैं ना, तो ये खाना शुरू कर देती हैं। देखें भाई, राजा रानी किधर जा रहे हो? उधर क्या है, कौन है उधर, दिखाओ हमें भी तो पता चले कौन है। अच्छा अच्छा, और लंबू या टिंगू जो है ना, इधर आए हुए हैं। चलो यार उधर, चलो 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 यार, इसको रख दो उमर भाई, इसको इसकी माँ बुला रही है।
इसकी माँ के पास ही जाने दो। वो सिर्फ मुर्गियों को मारती है ना। ओए होए यार, इसके नीचे क्यों दे रही हो, इसको नीचे क्यों दे रही हो, इतना ब्यूटीफुल है और आप उसको निन्ने मुन्ने को नीचे दे रही हो। यार कुछ ख्याल करो यार, उमर आप साइड पे हो जाओ। यार ये पता नहीं किस तरह की मुर्गी है, बच्चों को नीचे दे रही है। तो ये देख रहे हैं आप, एक दो और तीसरी जो ना वो समय लेके कुड़क होने वाली है। ठीक है, दो मुर्गियाँ ये वाली हैं, ये भी अंडा देने के लिए ना लाइन में इधर खड़ी हैं। और ये देखें, इसने अंडा दे दिया होगा, ये बहुत ज़्यादा बोल रही है ना, इसका मतलब ये कुड़क हो गई है। अभी अंडा कोई भी नहीं दिया है इसने, इसने अभी आज एक अंडा दे देना और ये कुड़क भी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक ये भी अंडा देगी आज और एक ये भी, क्योंकि ये लाइन में दोनों खड़ी हैं। तो दोस्तों हमारे जो है ना रैबिट्स, ये देखें माशाल्लाह कितने बड़े हो गए हैं, ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। वो तो अब इनको मैंने खुला छोड़ दिया, तो अब बाद में इनको कर देंगे बंद। ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं तक था छोटा सा। ठीक है, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। वैसे ये मुर्गी भी जो है ना अंदर आने की कोशिश कर रही है अपने चीज़ों को लेके। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।